और आज हम आए हैं भारत की सबसे पहली कंपनी जिसने फोल्डिंग डिस्क है। कोई नई समस्या सेट होती तो फिर आप मैकेनिक भेज देते हो। जी हाँ जी। फिर हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट फार्मर के यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? और आज अपने वीडियो बनाने आए हैं भाई भारत की सबसे पहली वो कंपनी जिसने फोल्डिंग डिस्क हैरो बनाई थी, और उनका नाम है भाई सर्वन इम्प्लीमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ जो अपने किसान आंदोलन में, अपने एक साल से आंदोलन जो चल रहा था उसमें जीत हुई है। तो सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो। तो वीरेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं भी आपको बधाई देना चाहूँगा कि यार भाई अपने किसानी के रिलेटेड जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, तो किसान आंदोलन में किसानों की जीत हो चुकी है, ये फाइनल हो गया है। तो ये सभी के लिए एक खुशी की बात है ना, खुशी का माहौल बन जाता है। वीरेंद्र भाई, अगर मैं अपने सबसे पहले बात करूँ, जो इसके प्राइस की बात है वो अपने करेंगे वीडियो के एंड में, है ना। दूसरी जो अपने बात आ जाती है वो आ जाती है कि इसके अंदर कितने मॉडल या वेरिएंट आते हैं मशीन के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हाइड्रोलिक में अपने 3-4 मॉडल आते हैं जिसमें, ठीक है, और ड्रैगन मॉडल आ गया, कॉम्पैक्ट मॉडल है, इसमें काफ़ी मॉडल आते हैं, ठीक है। तो ये अपने 36 डिस्क हैरो हैं जो कि फोल्डिंग में हम आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि इसके अंदर 4 से 5 मॉडल आप कह रहे हो भी इसके अंदर आ रहे हैं, उनका और इसका मतलब डिफरेंस क्या रहता है आपस में मॉडल का? इसमें ऐसे जैसे आपको पता है पंजाब में या और अदर स्टेट में भी जैसे 75 HP ट्रैक्टर या ऐसे बड़े ट्रैक्टर आ रहे हैं, तो उसके लिए भी ऐसे फोल्डिंग डिस्क हैरो रास्ते में लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बड़े पहले प्रॉब्लम ये थी ना कि जो बड़े ट्रैक्टर आते हैं उसमें, जो बड़े ट्रैक्टर आ रहे हैं जो उसमें ये बिना फोल्डिंग पे रास्ते में लेके जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसमें ये फोल्डिंग हैरो जो रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, के लिए ये मॉडल है। बाकी जो दूसरे मॉडल है वो विदाउट फोल्डिंग छोटे ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग बनते हैं। और आपने मेरे को मतलब ये भी बताया, जैसे मैंने सर से भी कंपनी के अंदर बात की कि सबसे पहले आपने फोल्डिंग हैरो बनाई है ना, हाँ जी, इंडिया के अंदर, हाँ जी, तो ये भी एक मतलब बड़ी आप एक नई तकनीक लेके आई किसानों के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जी। और कुछ खासियतें आप बता सकते हो इस मशीन के बारे में? देखिए जी, इसमें सबसे पहले अपने बात करें फोल्डिंग की, रास्ते में मेन प्रॉब्लम है इससे सबसे बढ़िया कि रास्ते में लेके जाने में बहुत सही रहती है, ठीक है, स्पेस थोड़ा मतलब इसको हाँ, फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, फोल्ड कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो इसकी खूबियां हैं जो इसकी जैसे डिस्क की अपने सबसे पहले बात करते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। जैसे डिस्क की बात करते हैं तो इसकी डिस्क है जो 25 इंच की डिस्क रहेगी, जिसका कि वेट लमसम होगा इसका 12.5 किलो। एक डिस्क का? हाँ जी, एक डिस्क का 12.5 किलो वजन रहेगा। वजन रहेगा इसका 12.5 किलो, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ आप देखोगे इसमें ना जो स्क्रैपर लगे हुए हैं साफ करने के लिए, ठीक है, एडजस्टेबल है, ठीक है, इसको अपने जैसे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इसको स्पेस इसका आगे कम कर सकते हैं अपने जैसे भी इसको, ठीक है जी। और उसके बाद अपने चलते हैं इसकी कपलिंग जो इसके मेन स्पूल डाला हुआ है इसके अंदर, हाँ जी, ये जो स्पूल डाला हुआ है ना, ठीक है जी, इस स्पूल में इसकी शेप ही इस तरीके से दी हुई है कि इसमें मिट्टी है जो इसके साथ नहीं चिपकेगी, ठीक है, बिल्कुल मिट्टी इसके साथ नहीं चिपकेगी, थोड़ी बहुत जो रहेगी वो स्क्रैपर इसको अपने सेट कर सकते हैं, वो बिल्कुल साफ रहेगा ये, ठीक है, ये तो बेस्ट। और इसके बाद अपने बात करें ये टॉपलिंग की, ये इसका मेन काम है, इसका जो ना इसको कट है इसका जो कट सेट करने के लिए आती है, बढ़ाना है या कम करना है, इसे सेट हो जाता है। okay. और ये अपने 1.5 इंची रोड में स्पेशल बनवा के लगाई हुई है। अच्छा, ठीक है, 1.5 इंची रोड में स्पेशल बना के लगाई हुई है, वैसे नहीं तो देखते हैं इसको 1 इंची में देखे हुए ज्यादातर आपने, हाँ 1 इंच में लगा देते हैं और वो इसकी चूड़ी ये स्लिप हो जाती है। ओके, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद अपने जो इसकी जो पिन डाली हुई है जहाँ पे जो टायर इसी में जितनी भी जो पिन का यूज़ किया हुआ ना जी, हाँ जी, सभी पिन अपने टेम्पर्ड की डाली हुई है, सीबी पिन टेम्पर डाल के ना इसके अंदर जो बुश डाले हुए हैं
वो कॉपर के बुश डाल के फिर पिन डाली हुई है, ये कभी भी घिसेगा नहीं आपका लाइफ में। ओके अगर कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपना बुश चेंज हो जाता है, मतलब 5 साल 7 साल कभी भी 10 साल बाद कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ओनली बुश चेंज हो जाएगा। पहली बात तो आती नहीं, अगर आती तो ओनली बुश चेंज कर सकते हैं, मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है इसकी। ओके ठीक है, ये लाइट लगाई हुई है उसका मतलब ये ऑन डिमांड पे लगाई हुई थी, कस्टमर की डिमांड के बीच में लाइट लगानी है तो वैसे हम लगाते हैं और कुछ डिमांड कस्टमर की डिमांड पे लगा देते हैं। ठीक है जी, ये जो जैसे ये लिफ्ट पंप लगा रखा है ना, ये प्रेशर वाला, इसके बारे में थोड़ा बता जी। ये जैसे आप यार ने ये सेंटर हाइड्रोलिक सिलेंडर है, इसमें ना अपने ये चेक वॉल दिया हुआ है जी। ठीक है जी, लॉरविन कंपनी ने चेक वॉल दिया हुआ है। इसकी मेन सिस्टम इसका ये है कि जैसे ना वर्किंग इसकी है कि जैसे अपने कोई भी कोई हाइड्रोलिक पाइप है बीच में अगर बाई चांस मोड़ते या कैसे भी फट जाए या कोई कट जाए किसी तरीके से तो ये डिस्क नीचे नहीं गिरेगी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल डिस्क नीचे नहीं गिरेगी, ये इसका प्रेशर कंट्रोल कर लेगा, वहीं पे जाम हो जाएगी। अगर कोई पाइप लीक होगी या कट गई या कुछ भी होगा तो डिस्क नहीं गिरेगी, जाम हो जाएगी। और इसके वेट में ना, जैसे अपने पाइप निकाल लेते हैं ट्रैक्टर में निकाल लेते हैं, इसका वेट उसके बाद ये वापस लगाने में आम अगर ये ना हो तो वापस पाइप नहीं लगती। अच्छा ठीक है, और ये इस वजह से ना वो टूल बॉक्स भी आपने बड़ी सही जगह दी, अभी अपने को एक्स्ट्रा चाबी वगैरह रखनी है ना। तो अभी अपने जैसे ये मशीन के टायरों की बात कर लेते हैं, तो टायर भी ऑन डिमांड पे या मतलब कोई भी बंदा मशीन बनाता है? टायर अपने हाइड्रोलिक जो भी मॉडल बनाते हैं सर, ठीक है, जो भी मॉडल हाइड्रोलिक में अपने बनाएंगे उसमें टायर हम यही टायर डालते हैं, 460 15.5 ये साइज का टायर, फोल्डिंग हैरो जो भी बनाते हैं हम, हाँ हाँ फोल्डिंग हैरो जो भी हम बनाते हैं उसमें टायर हम यही टायर यूज करते हैं, 460 15.5 इसका नंबर है साइज का, ठीक है। और इसमें जो रिम डाला हुआ है ये भी स्पेशल रिम डाला हुआ है, स्टील रिम। अच्छा ठीक है, ये जो रिम है ना ये स्पेशल स्टील रिम में डाला हुआ है, ठीक है। और इसमें एक जो हब है ये भी हब, जैसे इसमें 5 नट वाली हब है, इसमें आप 8 नट वाले भी रिम ले सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ जी ठीक है, ओके। और कोई चीज़ अपने से जो मिस ना होगी हो, अगर अपने जैसे पीछे बात करें तो ये तो फोल्डिंग के लिए दिए गए प्रेशर, फोल्डिंग के लिए दिया हुआ है। इसमें जो सिलेंडर लगे हैं ये नॉर्मल लगे हैं विदाउट चेक वाल के, ठीक है, इसमें चेक वाल की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर भी सिलेंडर अपने जो भी सिलेंडर इसमें लगता है उसमें 3 साल की फुल गारंटी रहती है, कोई भी लीकिंग हो जाए या कोई ये इसके में विदाउट चोट इसमें ना एक्सीडेंट ना हुआ रोड पे, अच्छा ठीक है, लीकिंग हो तो क्लेम मिलता है अपने को इसका। ओके सिलेंडर टू सिलेंडर मिलेगा आपको, ठीक है। तो जैसे उन्होंने डिस्क का जो वजन बताया था 12.5 किलो, वो जितनी भी डिस्क है सबका सेम वजन, सबका सेम रहता है जी। थोड़ी बहुत इसमें जो आगे वाली डिस्क है इसमें कटिंग वाली डिस्क दी होती है, हाँ हाँ, करने के लिए जैसे अपने दाज में या कतरे में जितनी भी चलाते हैं, जैसे ये कट लगे हुए ये कटिंग जैसे अपने पराली में चलाते हैं या कटिंग जितनी भी वेस्टेज में मटेरियल में चलाते हैं, ठीक है, तो इसकी कटिंग बहुत अच्छी होती है। okay. सबसे मेन इसका ये बहुत बढ़िया इसका वर्किंग है, कटिंग बहुत अच्छी करती है, इसका वेट थोड़ा बहुत कम रह सकता है, ठीक है, कटिंग की वजह से, कटिंग की वजह से। तो आइए अपने थोड़ा आगे की तरफ भी चलते हैं, आप देख सकते हो दोस्तों सर्वन इम्प्लीमेंट्स का लोगो यहाँ पर लगा हुआ है। तो वीरेंद्र भाई अगर अपने जैसे बात करें ये वाली जो मशीन है अपने पास फोल्डिंग डिस्क हैरो है ना, इसके अंदर जो जो आपने चीज़ें लगाई हैं जैसे पाइपें लगाई हैं पिनें लगाई हुई हैं, इनकी क्वालिटी बताइए, मतलब किस क्वालिटी आपने ये यूज़ किया हुआ है? देखिए अपने सबसे पहले अपने इसकी हाइड्रोलिक पाइप की जो बात कर रहे हैं, इसमें R2 की पाइप यूज़ की गई है, ठीक है, टोटल पाइप है ना इसमें R2 की यूज़ की गई है, ये पाइप कभी बीच में से नहीं फटती, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, लॉन्ग लाइफ चलती है, ठीक है ठीक है जी। उसके बाद जो अपने बात करते हैं इसकी जो मेन पिन है जो, ठीक है, ये मेन पिन है इसकी, मूवमेंट करती है इसमें, ठीक है, और ये 50 mm की डली हुई है यहाँ पे, आपने देखा होगा नॉर्मल यहाँ पे 30 mm डालते हैं या ये अपने 50 mm की हैवी डाली हुई है, मतलब खूब हैवी आपने पिन डाली हुई जैसे कोई दिक्कत ना आए, कभी कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, लाइफ टाइम आपने एक बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया जी। तो ये जो चीज़ यहाँ पे जो कनेक्टर लगे हुए हैं इनके बारे में भी थोड़ा आप बता दीजिए। देखिए ये कनेक्टर कभी ना इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी से ये पंचिंग किए गए हैं, ये कभी यहाँ से लीकिंग नहीं करते कभी, ठीक है, लीकिंग नहीं होगी कभी, कभी पाइप फटेगी नहीं, लीक नहीं होगी, पूरा सेफ्टी वाला काम, पूरा सेफ्टी होगी, ठीक है ओके। आगे अगर अपने बात करें तो, और इसमें अपने डिस्क की बात करें जैसे अपने, ठीक है, तो डिस्क में 12.5 kg की डिस्क डली हुई है, ठीक है, और इसमें हाई कार्बन में डली है, इसमें आप अपने बोर्न स्टील में भी ले सकते हो और इसमें हैवी वेट में भी ले सकते हो, जैसे ये 12.5 किलो की है आप इसमें 14 किलो भी ले सकते हो, 16 किलो भी ले सकते हो, ठीक है ओके। तो ये डिमांड के हिसाब से, ये डिमांड के हिसाब से, ठीक है। अब टायरों पे अगर अपने आए बात है, जो टायर काफ़ी चौड़े और हैवी डाले हुए हैं आपने, है ना, टायरों की बात अपने बाद में करेंगे, इससे पहले जब हम मेन चीज़ इसकी ये दिखा रहे हैं जैसे ना ये अपने स्क्रैपर जो अपने लगाए हैं इसमें, ठीक है, स्क्रैपर इसमें रकाब में लगाए हुए हैं, स्क्रैपर इसमें क्या है जो टायरों के इसमें तवे के साथ में जो मिट्टी लग जाती है चिप जाती है, ठीक है, और ये इसको ना अपने लूज करके इसको
बिल्कुल तवे के साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे लाम दिखा होगा आपने, इसको बेल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, ये बेल्डिंग नहीं किया हुआ आपने, आपने इसको मतलब अपने लूज करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने। देखते हैं अपने अपने टायरों की बात करते हैं। टायर इसमें 460 15.5 के टायर लगाए हुए हैं इसमें। ठीक है, 15.5 नंबर रिम में डाले हैं। रिम भी अपने इसमें जो स्पेशल बनाया हुआ है, ये रिम है ना जो, ठीक है, स्पेशल स्टील में रिम बनाया हुआ है। ठीक है, और बहुत हैवी रिम डाल बनाया हुआ है, 25 किलो के आसपास इसका रिम का वेट हुआ। ये रॉड मैं देख रहा हूँ काफी लंबी लगा रखी है, ऊपर से काफी हैवी स्प्रिंग लगा रखा है आपने, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए आप। देखिए जी, ये रॉड जो अपना मेन इसका जो काम है, इसको एक तो शुक्र के काम रास्ते में लेके जानी है, तो ये ज़्यादा शुक्र हमने लेंगे। और इसका क्या है ना, जब कई बार क्या होता है अपने आगे वाली डिस्क ज़्यादा लगती है तो या पीछे वाली कम लगती है, तो इसको बिल्कुल एकदम लेवल सीधा करने के लिए सेट कर सकते हैं मैनुअली अपने यहाँ से। इसमें जो स्प्रिंग दिया हुआ है अपने टाटा का हैवी स्प्रिंग दिया हुआ है, इसमें लाइफ में आगे कितना लॉन्ग लाइफ चलने वाला है, तड़ खत्म नहीं होगी इसकी, हाँ, लूज नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो एक अपने मतलब आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि ये शोकर का काम भी करता है, हाँ जी, तो रस्ते में जिसमें क्या है कि जैसे वेल्डिंग वगैरह में क्रैकिंग नहीं आती, हाँ, ये अपने सेफ पॉइंट रहता है इसके कारण, है ना। तो अपने थोड़ा इधर अगर अपने चले इस तरफ, तो एक ये अंदर वाली चीज़ तो आपने बता दी थी, जैसे ये फ्लैपर लगे हुए हैं जो मिट्टी साफ करते हैं, और ये फिर जो येलो पार्ट लगाया हुआ आपने बाहर की तरफ, इसको फ्लैपर आप कह रहे थे, फ्लैपर बोलते हैं फ्लैपर। इसमें ना जैसे ये मिट्टी, जैसे ये डिस्क बाहर फेंकेगी, हाँ जी, तो ये क्या है, इसको कंट्रोल करेगा, इसको बिल्कुल ज्यादा आगे नहीं जाने देगा। जैसे आपने देखो खाली से बाहर मिट्टी फेंक देते हैं, तो इसको खाली के अंदर अंदर मिट्टी रखेगा, ये एडजस्टेबल है, यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अप डाउन करना, ऊपर नीचे करना है या आगे पीछे करना है, तो इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं, मिट्टी बिल्कुल लेवल खराब नहीं करेगा अपने खेत का। ओके, तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है। और ये जो आपने लॉक से लगा रखे हैं काफी सारे, ये जैसे इसको फोल्डिंग करने के लिए काम आता है, ये सिलेंडर इसके फोल्डिंग करने काम आती है। पिन इसमें दी हुई 30 mm की, ठीक है, ग्रीस पिन दी हुई, दोनों तरफ से इसको ग्रीस कर सकते हैं, ठीक है। जब भी अपने ऊपर करना है इसको या नीचे करना, अप डाउन जैसे भी करना है इसको फोल्ड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके मूवमेंट के लिए यहाँ पे इसको घिसना, तो अपने ग्रीस पिन दी हुई है, ग्रीस पिन दी हुई है, ये इसका फोल्डिंग कब्जा है पूरा हैवी अपने लगाए हुए इसमें, ठीक है जी। ओके, और पीछे ये बीच में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे आपने जैसे ये लॉक दिए हुए हैं स्पेस, ये किल्ली आपने लगा भी रखी है, ये किस काम में आता है, मतलब किसी के जी, ये ऐसे हमने रस्ते में लेके जाने, तो यहाँ पे इसको अपने लॉक इस ये कर सकते हैं अपने, ठीक है, लेके जाने तो पंप सिलेंडर है जो हाइड्रोलिक, इस पर लोड नहीं रहेगा, यहाँ पे इसको लॉक कर दो लेके जाने के लिए। और इसमें जैसे अपने ये रोड दी हुई है उसके बाद, ठीक है, रोड पूरी हैवी रोड दी हुई है, ठीक है, फुल, तो इसके अंदर जैसे जो बैरिंग वगैरह भी डाले हुए हैं, बैरिंग डाले हुए हैं यहाँ, अच्छा, यहाँ पे डबल बैरिंग यूज, बैरिंग डाले हुए हैं, घिसते नहीं कभी भी, घिसते नहीं, ठीक है जी। और जैसे ये चेसी में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर अपने थोड़ा गौर करें तो ये बैंड दिया हुआ आपने इसके अंदर, ऐसे बैंड से ना ये जो टायर इसके जो अपने ज्यादा वर्क ले सकते हैं, टायर ऊपर भी ज्यादा हो जाते हैं और नीचे भी ज्यादा हो जाएंगे इसमें, ठीक है, ये अपने डिस्क की डेप्थ ज्यादा ले सकते हैं हैरों की, ठीक है, और इसकी मोटाई भी काफी लग रही है, हाँ जी जी, इसमें ना 6 mm बक्स में बना हुआ है, ठीक है, 6 inch स्क्वायर बक्स में बना हुआ है, 6 inch ऊपर 6 inch यहाँ से इसको, ठीक है, फुल हैवी बनाया हुआ है। और ये कितने mm की जो प्लेट आपने यूज़ की हुई है जी, बिल्कुल फ्रेश प्लेट, टोटल जो जहाँ भी प्लेट लगी है ना, टोटल 90% इसमें प्लेट ही यूज़ की गई है, और पूरी प्लेट इसमें फ्रेश प्लेट यूज़ की गई है प्राइम। ओके, डिस्पोजल प्लेट का यूज़ नहीं किया हुआ, इसको एकदम प्योर माल लगाया हुआ कहने का मतलब। तो अपने अभी पीछे आ जाते हैं, तो ये यहाँ पे भी फिर ये चेसी आ गई, ये भी काफी हैवी है जी, इसमें ना 8 inch और 7 inch का अपने बक्सा बना के ना पूरा स्क्वायर इसमें, ठीक है, तो उसमें अपने बनाया गया है इसमें। इस प्लेट में अगर अपने देखें इसमें और इसमें काफी डिफरेंस है ना, तो ये 12 mm यूज की गई है, अच्छा, इधर 8 थी और ये 12 mm यूज होगी, जैसे ये यहाँ पे लोड ज्यादा लगता है तो इसमें अपने 16 mm यूज की गई है, ठीक है, लोड के अकॉर्डिंग है, जहाँ पे जिस चीज का ज्यादा लोड है वहाँ प्लेट कम ज्यादा रहती है, ठीक है। ये लॉक फिर अपने वही आगे जो अपने फोल्डिंग आगे अपने देखे थे वो सेम चारों तरफ ये लगे हुए हैं, ठीक है। और एक चीज मैं देख रहा हूँ कि जैसे 18 डिस्क हैं, सभी तवे जो हैं बराबर साइज के हैं, पर ये आपने बड़ा एक छोटा सा लगाया साइड में, ये ना इसमें छोटा तवा इसलिए लगाया गया है कि जो मिट्टी वो बाहर फेंके थोड़ी बहुत चली भी जाती है बाहर जाती है, तो ये उसको वापस अंदर ले आएगा, खाली में ले आएगा वापस उसको, ठीक है। थोड़ी बहुत मिट्टी अगर बाहर निकल भी गई ना, तो इसने उसको ये देखिए छोटा लगा वो खाली के अंदर बाहर मिट्टी को अंदर ले आएगा वापस, तो मतलब ये लेवल रखेगा, लेवल रखेगा बिल्कुल, एकदम सफाई रखेगा खेत की पूरी, ठीक। तो ये तवा आपने बता दिया अपने को कि ये मतलब जो है मिट्टी, ये मतलब लेवल इसका सही रखता है। इसके अंदर जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि आपने जैसे हब लगाई हुई हैं 2 और 3, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, और ये फिर बीच में एक और आगे 4, 5 और फिर ये 6, 7, 8, इतनी हब लगाने का मतलब रीज़न इसमें ना जी, देखिए आपने ये मेन यहाँ पे देखो आपने,
इसमें जो नीचे दिया हुआ है टुकड़े में डाली हुई है, ठीक है, पैकेट अलग अलग पैकेट बनाएंगे इसमें, जैसे भी ट्रैक्टर अपने मोड पे इसको मोड़ते हैं, ठीक है, तो इस एक साइड मोड़ेंगे तो ये मोड़ने में लोड बहुत कम लेगा ट्रैक्टर, ओके, इसलिए इसको तो पैकेट अलग अलग पैकेट बनाएंगे, मोड पे ट्रैक्टर लोड नहीं लेगा बिल्कुल, बिल्कुल भी लोड नहीं लेगा, तो ये सेफ्टी है। तो हब अपने पास, आप ये डेमो भी अपने उन्हें ला के रख रखा है ना, तो ये थोड़ा सा समझा दो इसके बारे में। जैसे ये अपने ये हब इसमें जो बीच में से ना अपने हब बैरिंग जैसे आपने बताया था, 33215 का यूज किया गया है, फ्रेश बैरिंग, ठीक है, डिस्पोजल में फ्रेश बैरिंग यूज करते हैं अपने, और वो कस्टमर की डिमांड पे भी अपने नया बैरिंग डालना है किसी ने या तो वो अपने डिमांड पे डाल देते हैं, ठीक है, फ्रेश बैरिंग इसमें यूज किया गया। इसमें ना दोनों तरफ ये देखोगे आप, हमने दोनों तरफ अपने सील डाली की है, ठीक है, दोनों तरफ सील होगी, बीच में प्लस इसमें एक अपने रबड़ रिंग और डाला हुआ है, ये देखिए अपने, हाँ जी हाँ जी, ये आपको एक सबसे नई चीज मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगा ये, अपने बीच में जो रबड़ रिंग डालते हैं ना, इसमें क्या ना आप पानी या कद्दू करे हुए खेत में भी अपने अपने इसको लेके जाएंगे ना, हाँ पानी में भी ये वाटरप्रूफ है, बिल्कुल पानी नहीं अंदर जाएगा, सेफ रहेगा, बिल्कुल मतलब सेफ रहेगा, बैरिंग और सील वगैरह कभी खराब नहीं होगी इसमें, ठीक है, स्टील हब यूज की है इसमें, ओके, बत्ती का बत्ती, ठीक है, और ये बत्ती बीच में आपने PCR वाली लगा रखी है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये कस्टमर की डिमांड पे डाली की है जी, ठीक है, और तो ये जैसे रात को बड़ा मतलब सुंदर नजारा आता होगा ना, ऐसे ये घूमती है फिर ऐसे, तो ये भी है। अच्छा, अब क्या होता है कि हर बंदा वीडियो देखने से जैसे ही वीडियो स्टार्ट करते तो वो को देख के चीज़ सबसे पहले उसके मन में आता है प्राइस, प्राइस इसका क्या रहेगा, मतलब जो ये वाली मशीन है इसका क्या प्राइस रहेगा? देखिए जी, इसका प्राइस की अपने बात करें तो इसमें स्टार्टिंग हो जाती है 36 हज़ारों के, जब अपने बात करते हैं तो इसमें 430,000 से स्टार्टिंग हो जाती है और 470,000 के आसपास मॉडल बनते हैं, मॉडल बनते हैं, जैसे कस्टमर की जो डिमांड रहती है, किसी ने जैसे लगवाया, किसी ने ये डिस्क लगवाई है, ट्रैश बोर्ड नहीं लगवाना किसी ने, वो पैसे उसमें उतने कम हो जाते हैं, जैसे वो बत्ती लगवा ली है जो भी, हाँ जितना डिज़ाइन के हिसाब से। तो अब बिल्कुल अपने वीडियो के लास्ट में जब बात करते हैं डिलीवरी की, भी आपने मेरे को बताया कि ऑल इंडिया, हालांकि पूरे वर्ल्ड में आप डिलीवर करते हो, पर वो चलो जो आउट ऑफ कंट्री है, इंडिया से बाहर है, वो तो डिलीवरी एक अलग रहेगी, पर ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के अंदर अपने बात करें अलग अलग स्टेट में, तो वो डिलीवरी फिर जो भी भाई आपसे खरीद रहा है उसको खुद आना पड़ता है या फिर आप फ़ोन पे बुकिंग लेके डायरेक्ट? अपने नंबर दिए हुए हैं, आप इन पे बात करके कर सकते हो, जो पेमेंट होगी, पेमेंट का जो सिस्टम होगा वो तो अकाउंट में पेमेंट हो जाएगी, जो डिलीवरी है वो एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा डिलीवरी का, ठीक है, तो 50% पेमेंट पे अपने एडवांस करके ऑर्डर बुकिंग हो जाती है, और जो भी डिलीवरी है वो अपने ऑल इंडिया में एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, कहीं भी आप ले सकते हो इसकी, कहीं भी ले सकते हो, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में कहीं भी। बुकिंग का मतलब क्या रहता है, 50% चार्ज करते हो जो भी इसका प्राइस है? हाँ जी हाँ जी, 50% चार्ज। अच्छा, 50% एडवांस जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद बुकिंग, और इसकी गारंटी वारंटी क्या रहती है अगर कोई बाहर से बंदा दूर से लेने आता है? इसकी हर चीज़ की फुल गारंटी लेती रहती है, जिसकी चलने की और लीकिंग की वगैरह, हब की, डिस्क की, फुल हर चीज़ की फुल गारंटी रहती है इसकी, ठीक है। मान लो कोई बंदा MP महाराष्ट्र या फिर UP कहीं भी ले गया, हाँ जी हाँ जी, और वहाँ पे बाई चांस उसको कभी प्रॉब्लम आ गई 4-5 साल बाद, हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ पे फिर आप मैकेनिक भेजते हो अपना? नहीं जी, मैकेनिक नहीं भेजते, हम फ़ोन पे सारी कोई सेटिंग होती है वो फ़ोन पे करवाते हैं, कोई पार्ट्स अगर किसी को चाहिए तो वो हम बाय ट्रांसपोर्ट उनको हर चीज़ उसकी प्रोवाइड करवा देते हैं, प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी मतलब कोई नई समस्या सेट होती तो फिर आप मैकेनिक भेज देते हो? जी हाँ जी, फिर और ये भी चलो मैकेनिक को हाँ भेजते हैं, हम सेटिंग करवा लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखी ये थी फोल्डिंग डिस्क हैरो, और इसका प्राइस और बुकिंग डिटेल सब आ गया है, और कॉन्टैक्ट नंबर जो है इनके सरमन इम्प्लीमेंट्स के वो दिए गए हैं 94140 91290, और डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे भी आपको ये नंबर शो हो जाएंगे, आप डायरेक्ट फ़ोन करके बुकिंग डिटेल और प्राइस डिटेल ले सकते हो, और बाकी अदर इम्प्लीमेंट्स भी ये बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स में डील करते हैं, आप डायरेक्ट कॉल करके किसी भी इम्प्लीमेंट के बारे में पूछ सकते हो। तो जुड़े रहिए नेक्स्ट फार्मर के साथ, और नेक्स्ट फार्मर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।